कोविड के समय में एजुकेशन पर बहुत असर पड़ा है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम सभी की हाउस होल्ड इनकम्स, जो घरों की आमदनियां हैं, वो बहुत कम हो गई, वैसे ही कोविड ने एजुकेशन पे भी बहुत बड़ी मार की है। इस समय में जितने भी हम स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं और चाहे ही स्कूल है, इन सभी को मिलकर के इस कोविड में एजुकेशन को संभालना होगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका तो फेस टू फेस एजुकेशन है, जहां टीचर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाए और बच्चे रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, जिसे बोलते हैं 3 आर्स, उसे टीचर की प्रेजेंस में समझें और आगे उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। पर जब ऐसे समय में, जब कोविड के टाइम में, चाहे स्कूलों ने कितनी ही कोशिश कर ली कि जितने भी मापदंड हैं, जो भी प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ धोने का, स्वच्छता रखने का, उस सब के बावजूद स्कूलों को निर्देश हैं कि अभी स्कूलों में पढ़ाई सस्पेंड रखी जाए, तो इस टाइम में स्कूल कैसे बच्चों तक पहुंच सकते हैं, कैसे उनको पढ़ाई की सुविधा दे सकते हैं, उसके लिए एक ही तरीका है और वो है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्कूलों को चाहिए कि वो अच्छी बैंडविड्थ वाले, जिसमें स्ट्रॉन्ग वाईफाई हो, वाईफाई अच्छा स्ट्रॉन्ग हो इंटरनेट वाले, ऐसी किसी सुविधा को लेकर के और ट्राईपॉड पे कैमरास लगा करके उससे बच्चों को पढ़ाएं। टीचर बहुत आसानी से, बहुत तरीके से ब्लैक बोर्ड टीचिंग कर सकता है, वो उस टॉपिक को, जिस टॉपिक को पढ़ाना हो, उस टॉपिक को, उसके टॉपिक के कंटेंट को बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है और फिर ब्लैक बोर्ड में पढ़ा सकता है। टीचर को चाहिए कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते वक्त साथ साथ अपने पढ़ाए हुए टॉपिक को वो सेव करे, संभाल कर रखे, ताकि उस दिन जो बच्चा नहीं अटेंड कर पाया किसी वजह से क्लास, उसका वो पढ़ाई उसकी खराब ना जाए, वो उसके बाद दोबारा उस टॉपिक को लेकर के पढ़ सके। टीचर को चाहिए कि क्लास का, जिस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उस टॉपिक को अच्छी तरह डिस्कस करने के बाद इसको 2-वे सिस्टम बनाए आखिरी 10 मिनट के लिए, ताकि जिन बच्चों को वो टॉपिक में के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, या उनके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो उस टीचर से पूछ सकें। तो ताकि जो हमें क्लासरूम टीचिंग का इफ़ेक्टिव मेथड होता है 2-वे सिस्टम, हम उस 2-वे सिस्टम को भी इस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर हम एक अच्छी तरह से ऑनलाइन टीचिंग करें। और सारे पढ़ाई के बाद शायद हर एक हफ्ते, हफ्ते में एक बारी तो ज़रूर टेस्ट लेना चाहिए, और बच्चों को कैमरा के आगे बिठा करके अलाउ देम टू ओपन द बुक्स, उनको इजाज़त दे दें कि किताब खोलकर, अगर किताब से मदद लेनी है बेशक वो करें, पर कम से कम बच्चा तैयारी तो करेगा, जो भी उसको एक हफ्ते पढ़ाया गया है उसको लर्न करेगा, उसकी तैयारी करेगा, टीचर को टेस्ट देगा, उस टेस्ट को व्हाट्सएप के थ्रू टीचर को भेजेगा, उसकी एवेल्यूशन होगी, मार्किंग होगी और बच्चे के पास उसके नंबर जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चा अपने आप को बेहतर कर पाएगा। तो सारी ऐसी पढ़ाई के साथ साथ रिकॉर्ड रखे जाएं। अब ये बात तो थी कि स्कूल क्या करें और टीचर क्या करें, पर उतना ही महत्वपूर्ण है बच्चों के माता पिता का रोल, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान या जब स्कूल बंद हैं उस दौरान बच्चा स्कूल में नहीं है, बच्चा ज़्यादा समय अपने घर में व्यतीत कर रहा है। ये एक माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चा एक शेड्यूल के मुताबिक, एक टाइम टेबल के मुताबिक अपना समय व्यतीत करे, ऐसा ना सोचे कि इस मुश्किलात में, इस त्रासदी में वो इसको छुट्टियां ना समझे, कि छुट्टियां समझ के देर रात तक टीवी देख रहा है, सुबह देर से उठ रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, ये सब बातें ना होने दें। आप देखें कि बच्चा अपने को एक डिसिप्लिन में रखे और उस तरह से तैयारी करके आगे क्लास के लिए तैयार होकर बैठे। साथ साथ जो छोटे बच्चों के माता पिता हैं, वो क्या कर सकते हैं कि बच्चे को, ताकि रेगुलरली उसको लिखने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले, उसको 2 चैप्टर या 1-2 पेज हिंदी के या अंग्रेज़ी के पढ़वाएं और उसके बाद लिखने की भी उसकी प्रैक्टिस करवाएं। इस दौरान जब आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं और बच्चा ज़्यादा इंडोर्स ही है, तो उसको ऑक्यूपाइड रखने के लिए, उसको बिजी रखने के लिए आप घर में कोई भी कैरम बोर्ड, चेस,
कोई भी ऐसी गेम्स खेल सकते हैं और बच्चे को ऑक्यूपाई रह सकते हैं, पर उससे भी अच्छा होगा कि एकेडमिक्स में उसको कोई और पुस्तकें ला के दें जो उसके कोर्स से बाहर की पुस्तकें ला के दें जिनको वह पढ़ सके और अपनी नॉलेज और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सके। धन्यवाद। Thank you.